आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्ज़ा गुलाम का दयानी और उसकी जमात जमत अहमदिया पर इस जमात यानि इस ग्रोह की हकीकत क्या है मिर्ज़ा गुलाम का दयानी ने किस बुनियाद पर और क्या क्या दावाजाद किए इसके अलावा इस ज़मात के हवाले से तमाम तर हकाइक आपके सामने रखेंगे और जहाँ हमारे महातबीन आम लोग हैं हिदायत कतल है तो वहीं ये पैगाम हमारा ये वीडियो सिलसिला बिलखसूस उन लोगों के लिए है जो इस गिरोह में शामिल हैं जो ख़ुद को अहमदी कादियानी या मरज़ई कहलवाते हैं या लोग उन्हें इन नामों से जानते और पुकारते हैं इसके लिए हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि क़ुरान से आपके ऊपर वाजह करेंगे कि जिस मसीह ने आना था जिस रसूल ने आना था उसने कब आना था उसकी ज़रूरत क्यों थी और उसने आकर क्या क्या करना था इसके अलावा हर लिहाज से हर पहलू से क़ुरान से आपके ऊपर हकायक इस तरह खोल खुल कर वाज़ करेंगे कि अगर आप में राय बराबर भी हक़ की तलब और तड़प हुई तो यह हम आपको गारंटी देते हैं कि आप हक़ हाँ को जाने और पहचाने बग़ैर नहीं रह सकेंगे दुनिया की कोई ताकत आप को गुमराह नहीं कर सकेगी अपनी तरफ़ नहीं फेर सकेगी फिर इसके अलावा मिर्ज़ा गुलाम का और इस जमात के बारे में हकायक इनकी अपनी किताबों से इनके अपने लिटरेचर से भी आपके ऊपर वाज़े करेंगे और फिर उसके बाद ऐसे हकायक ऐसे राज आपके ऊपर मुनशिफ करेंगे कि जो राज़ व आज से पहले आपको कहीं से नहीं मिले होंगे बहरहाल हम बात करते हैं इब्तदा से बुनियाद से तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने जो दावा जात किए वो किस बुनियाद पर किए मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने किस बुनियाद पर यह दावा किया कि मैं वही ईसा हूँ वही मसीह मऊद हूँ जिसका इस उम्मत के आखिर में आने का वादा किया गया था इसको समझने के लिए सबसे पहले बुनियाद की तरफ़ जाना होगा उसके लिए हम आपके ऊपर सबसे पहले ये वाज़े करते हैं कि इस उम्मत में ईसा के आने के हवाले से जो अकीदा नज़रिया पाया जाता था या जो पाया जाता है वो क्या है जब हम माजी में जाएँ तो बनी इसराइल के आखिर में यानी बनी इसराइल के शुरू में मूसा को भेजा गया और बनी इसराइल के आखिर में ईसा इबन मरियम को भेजा गया जब ईसा इबन मरियम ने बनी इसराइल पर हक़ हर लिहाज से खोल खोल कर वाजे किया तो उस वक़्त के मलाटों को जब उनसे ख़तर लाक हुआ तो उन्होंने ईसा इबिन मरीम के ऊपर कुफ़रक़ब के फतवे लगाए तोहिन रसालत के फसादिल अर्ज़ के फतवे लगाए जिसका नतीजा ये निकला कि ईसा बन मरियम को सिलीप पर चढ़ा दिया गया जब ईसा बबिन मरीम को सिलीप पर चढ़ाया गया तो यहाँ पर ईसाइयों का कहना यह है कि ईसा बबन मरीम की सिलीप पर मौत होगी लेकिन तीसरे दिन वो ज़िंदा हो गए और ज़िंदा होने के बाद चालीस दिन तक मज़ीद ज़मीन पर रहे उसके बाद वो आसमानों पर चले गए खुदा ने उन्हें अपने पास आसमानों पर उठा लिया लेकिन यहां पर मुसलमानों का अख्तलाफ है मुसलमान यह कहते हैं कि ईसा बिन मरियम की स्लीप पर मौत नहीं हुई बल्कि अल्लाह सुबहाना तौला अल्ला ने उन्हें स्लीप पर चढ़ने नहीं दिया इसके बरक्स अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया मुसलमानों में बाज़ गोह ऐसे हैं बाज़ अफराद लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि स्लीप पर तो ईसा बिन मरियम को ही चढ़ाया गया लेकिन उनको जिंदा आसमानों पर नहीं उठाया गया बल्कि मौत देने के बाद उनके जिसम को आसमानों पर उठा लिया गया इसके अलावा और भी अकाद नजरिया पाए जाते हैं लेकिन जो मेन जो अकदा नज़रिया जो आम मशहूर है आम है वो यही है कि ईसा बबिन मरीम को जब सलीब पर चढ़ाया गया तो ईसा बबिन मरीम को सलीब पर नहीं चढ़ाया गया बल्कि अल्लाह व तआला ने ईसा बबिन मरीम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया और फिर साथ ये वादा किया कि मैं उम्मत महम्मद के आखिर में ईसा को दोबारा दुनिया में भेजूँगा अब यह वादा कहते हैं कि किया गया महम्मद के ज़रिए इसी हवाले से जब वक्त आया दुनिया में ऐसे हालात बने तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने उठकर यह ये दावा किया, किया कि मैं वही ईसा हूँ वही मसीह हूँ जिसका तुम से के ज़रिए वादा किया गया था अब कोई भी शख़्स इस दावे को मान सकता है मिर्ज़ा गुलाम कादयानी किस इस बात को मान सकता है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप उसको जब मान रहे हैं तस्लीम कर रहे हैं तो आपको हक़ का इलम है क्या आपको वाक़ता हक़ का इलम है कि जो ये लोग कह रहे हैं या जो अकादन रियात ईसा के आने हवाले से दुनिया में मौजूद हैं वो हकीकत हैं उनमें हकीकत का ए, कितना असर है या किस कदर उनमें हकीकत मौजूद है बातिल क्या है अगर तो आपको हकीकत का मुकम्मल इलम है यानी जो अकदन रियात पाए जाते हैं वो एज़ इट इज़ बिल्कुल वही हैं तो फिर लाचुबा अगर कोई शख्स उठता है ऐसा दावा करता है और आपको लगता है कि वो इस दावे के मुताबिक है सच्चा है तो आपको तस्लीम करना चाहिए लेकिन अगर आपको बुनियाद का ही इलम नहीं तो फिर किसी को भी तस्लीम करने से पहले सबसे पहले आपको बुनियाद की तरफ आना होगा इसके लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रसूल यानी जिस मसीह ने आना था उसने आना किस तरह था यानी रब जो है वो किस तरह और कब मसीह को रसूल को भेजता है रब ने वादा किया था तो वादा कैसे किया था क्यों किया था इन तमाम बातों को सामने रखेंगे इनको जानने के लिए सबसे पहले हम आते हैं बुनियाद की तरफ हम ये जानते हैं कि रसूल कब बेस किया जाता है और वो क्या वजह है जिस वजह से अल्लाह ने वादा किया मसीह के भेजने का तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि लफ्ज़ जो है जो अल्फाज हैं मसीह माउद क्योंकि मिर्जा ग़ुलाम का दयानी ने दावा किया कि मैं मसीह माऊद हूँ अब मसीह मऊद का मतलब क्या है सबसे पहले आते हैं इसकी तरफ लफज है मसीह मसीह के मसीह लफज बनता है सीन मास आगे ये है फिर आ जाता है हा मसीह मसीह का मतलब है कि कोई शय ख़राब है तो आप अगर उसकी तरफ जाते हैं तो आप उस शय के ऊपर असरअंदाज होते हैं इस तरह असरानंदाज़ होते हैं कि उसके अंदर से जितनी भी खराबियां हैं खामियां हैं वो निकल कर दूर, दूर होकर उस शय में हा आ जाए हा यानि परफेक्शन आ जाए वो शय बेहतरीन हो जाए वापस अपनी असल हालत में आ जाए यह है मतलब मसीह का यानी मसीह का मतलब है कि रब यह कह रहा है कि जब दुनिया में ऐसे हालात पैदा होंगे ऐसी नौबत आएगी कि जब मेरे अलावा दुनिया के हालात को कोई और ठीक करने की सलाहियत नहीं रखेगा यानी दुनिया में इतनी खराबियां हो जाएंगी तुम में इतनी खराबियां पैदा हो जाएंगी कि उन खराबियों को मेरे अलावा कोई भी दूर नहीं कर सकेगा तो फिर मैं ही उन खराबियों को आकर दूर करूंगा यानी मसी, मसीह मसीह का मतलब ये है रब ये कह रहा है कि मैं आकर जो भी खराबियां हैं उन खराबियों को निकाल कर हर शय में हा यानी परफेक्शन ले आऊँगा आगे आता है लफज माउद माउद का मतलब क्या है ये लफज बनता है वादे से वादा किसे कहते हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है वादा कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो आप कहते हैं जी जब वक़त आए तो क्या आप मुझे ये शायद दोगे तो कहता है हाँ जी मैं वादा करता हूँ जब वक़त आएगा तो मैं आपको यह शय दे दूँगा इसे कहते हैं वादा यानी वादा किसे कहते हैं वादा कहते हैं कि अगर आपको किसी शय की ज़रूरत है और आपके पास वो शय नहीं है आप उसके लिए किसी दूसरे के मोहताज हैं तो कोई दूसरा जो है वो आपको वो शय देने यानी आपकी हाजत पूरी करने की गारंटी देता है कहता है कि मैं आपकी ये हाजत पूरी करूँगा ठीक है इसे कहते हैं वादा तो मऊद माऊद का मतलब ये है कि रब जो है वो वादा कर रहा है रब वादा कर रहा है वादा कर रहा है वादा कर रहा है किस चीज़ का वादा कर रहा है मसीह मऊद मसीह मऊद मतलब ये है कि जब भी कोई रब की तरफ रुख करता है रब को कहता है कि मेरे रब मेरी परेशानी दूर कर मेरी मुसीबत दूर कर मेरी तकलीफ़ दूर कर तो आगे से रब ये कहता है कि मैं वादा करता हूँ जब ऐसे हालात आएंगे कि वाक़न मेरे अलावा तुम्हारी मुसीबत को तुम्हारी परेशानी को, को दूर नहीं कर सकता तो मैं आऊँगा मैं आऊँगा मैं आऊँगा यानी मैं उस वक़्त तक नहीं आऊँगा जब तक वो वक़्त नहीं आ जाता इसको आप एक आसान से मिसाल से समझ लें मिसाल के तौर पर आपकी एक मशीन है आपकी मशीन का जो खालिक है वो मैं हूं मुझे पता है कि मैंने वो मशीन कैसे बनाई है मैं वो मशीन आपको देता हूँ आप वो मशीन इस्तेमाल करते हैं जब आप कुछ अरसा उस मशीन को इस्तेमाल करेंगे तो उस मशीन के बारे में बहुत सारा इलम आपको मिल जाएगा यानी जब मैं मशीन आपको दूंगा आप मुझसे मशीन लेंगे जिस दिन आपने मुझसे मशीन ली उस दिन आपको उस मशीन के बारे में कुछ भी इलम नहीं है लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुजरता चला जाता है तो नतीजा क्या निकलता है जब आप उस मशीन को इस्तेमाल करते हैं उसे देखते हैं तो आपके पास खुद बहुद इस मशीन के बारे में इलम आता चला जाएगा कि वो कैसे ऑन होती है कैसे ऑफ होती है कैसे चलती है उसके अंदर किस किस तरह के पार्ट्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं लिहाजा बहुत सारा इलम उस मशीन के बारे में आपके पास आ जाएगा अब होता क्या है होता ये है कि मशीन के अंदर एक खराबी पैदा हो जाती है मशीन के अंदर एक खराबी एक फॉल्ट पैदा हो जाता है अब चूंकि मशीन आप मशीन के खालिक नहीं हैं और आपको आप स्टेज पर इस सतह पर हैं कि आपको पता है कि यह एक कॉम्प्लिकेटेड शह है एक कीमती शह है तो इसको जो इसका खालिक है वही ठीक कर सकता है जिसके पास मुकम्मल इलम है वही ठीक कर सकता है तो आप क्या करेंगे आप खुद छेड़छाड़ नहीं करेंगे खुद पंगा नहीं लेंगे बल्कि आप देखेंगे कि वो कौन है जिसके पास इस मशीन के बारे में कंप्लीट इलम है मुकम्मल इलम है वही इसको सही करने की सलाहियत रखता है तो आप क्या करेंगे आप तलाश करेंगे उससे जिसके पास कंप्लीट इलम है और वो क्या उससे बढ़कर हो सकता है जो उसका खालिक है बिल्कुल नहीं खालिक से बढ़कर इलम रखने वाला कोई नहीं होता तो आप क्या करेंगे आप जो मशीन का खालिक है आप उससे करेंगे यानी आप मुझसे रहा करेंगे आप अब मुझे करते हैं फोन मुझे कहते हैं जी इस तरह मशीन खराब हो गई है तो ब्रा मेहरबानी आए आकर मेरी मशीन को ठीक कर दें अब मैं कहता हूं देखो मैं इतनी दूर से आपकी मशीन को ठीक करने के लिए आऊंगा इतनी दूर से आपकी मशीन को ठीक करने के लिए आऊंगा तो पहले यह तो देख लिया जाए कि क्या मेरे आने की जरूरत है अगर ये काम मेरे आए बगैर ही हो जाए तो मुझे आने की जरूरत है आप खुद बताएं आपको क्या चाहिए मैं आऊं या आपको यह चाहिए कि मेरी मशीन ठीक हो उसका फाल्ट दूर हो अगर तो आप ये चाहते हैं मैं आऊं तो फिर भी आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चला जा, चला जाएगा बल्कि आपको पहले साबित करना होगा कि भाई मेरे आने की जरूरत है मैं क्यों आऊं और अगर वाक आप साबित कर देते हैं मेरा आना नागुजीर है तो फिर मैं आऊंगा लेकिन अगर आप साबित नहीं कर सकते तो फिर मेरे आने की जरूरत क्या है तो आपको क्या चाहिए क्या आपको यह चाहिए कि मैं आऊँ या फिर आप ये चाहते हैं कि वो जो मशीन है मशीन से जो खराबी है वो दूर हो जाए मशीन ठीक हो जाए तो ज़ाहिर सी बात है आप ये कहेंगे जी मुझे ये नहीं चाहिए कि आप आए बल्कि मैं ये चाहता हूं कि जो मशीन के अंदर जो खराबी पैदा हुई है वो खराबी दूर हो जाए जो मुझे मुश्किल लाक है परेशानी लाक है वो मुश्किल वो परेशानी दूर हो जाए तो मैं आपको क्या कहूँगा मैं आपको फोन पर कहूंगा चले ऐसा करते हैं आप मुझे बताएं कि वो कैसा फॉल्ट है आप मुझे अलामत बताएं आप मुझे अलामात बताते हैं तो मैं आपको बताता हूं आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं क्यों क्योंकि ये फॉल्ट तो आप खुद दूर कर सकते हैं आपको इतना अरसा हो गया मशीन चलाते हुए इस्तेमाल करते हुए तो जो आप मशीन इस्तेमाल कर रहे थे आपके पास इतना इलम आ चुका है कि आप ये फॉल्ट दूर कर सकें तो आप आगे से जितनी जीचा है जिद करें नहीं नहीं मैं नहीं मैं नहीं कर सकता ये वो आपको मैं कहूंगा यानी जो खालिक है वो कहेगा भाई मुझे पता है कि ये जो फॉल्ट है ये आप दूर कर सकते हैं कोई बच्चा भी दूर कर सकता है सिर्फ उसको गाइड करने की ज़रूरत है उसकी रहनमई करने की ज़रूरत है लिहाजा आप मशीन में फॉल्ट पैदा होता है आप मुझसे रबता करते हैं आप मुझे कहते हैं कि जाके मशीन से ये कर दो मैं आ से कहता हूँ जी मैं आऊँगा लेकिन पहले ये तो साबित हो जाए कि मेरे आने की जरूरत है जब मेरे आने की ज़रूरत पेश है कि मैं आ जाऊँगा लेकिन पहले हम क्या करते हैं ये देखते हैं कि क्या वो फॉल्ट आप खुद नहीं दूर कर सकते तो मैं कहता हूँ मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ आपकी रहनमाई करता हूँ आप कोशिश करें तो मशीन का जो फॉल्ट है दूर हो जाएगा अगर दूर ना हुआ मेरा ना नागजीर हुआ मैं आ जाऊँगा लिहाजा क्या होता है मैं आपको फोन पर हिदायत देता हूँ आप उन हिदायत के ऊपर अमल करते हैं वो फॉल्ट दूर हो जाता है कल को फिर फॉल्ट आता है फिर खराबी आती है तो अब क्या करेंगे अब आपके सामने दो चीज़ें होंगी पहली चीज कि पहले भी फॉल्ट पैदा हुआ था और पहले फॉल्ट कैसे दूर हुआ था पहले खालिद को मालिक को आने की जरूरत पेश नहीं आई थी उसने मुझे हिदायत दी थी उसकी हिदायत के मुताबिक मैंने वो फाल्ट ख़ुद दूर कर लिया क्यों मेरे पास इतना इलम आ चुका हुआ था दूसरी बात जो कि पहले वाली है कि यह मशीन है बड़ी कम्प्लिकेटेड है बड़ी हसास है तो इसको वही ठीक कर सकता है जो इसके बारे में मुकम्मल इलम रखता है लिहाजा अब आप, आपके सामने ये दो रस्ते हैं आप कन्फ्यूज़ होंगे आप शशोपंच का शिकार हो जाएंगे कि आया मैं जैसे पहले हुआ था तो मैंने रबता किया था वही करूं या फिर सही तो पहले मुझे खुद ही करनी पड़ी थी तो मैं खुद ही इसको ठीक कर लूँ अब जब आप कन्फ्यूज होंगे कन्फ्यूज़न जो कन्फ्यूजन है इस इसको दूर करने के लिए आप क्या करें आप फिर मुझसे रबा करेंगे क्यों क्योंकि आपको लग रहा है कि हो सकता है पहले जो फॉल्ट था वो छोटा था अब कोई ऐसा फॉल्ट हो मैं ना ठीक कर पाऊँ अगर मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा कहीं तबाह ना हो जाए आप फिर मेरी तरफ रुजू करते हैं मेरी तरफ रूह करते हैं आप फिर मुझे रबा करते हैं मेरे साथ और आप वही बात कहते हैं जो मशीन ख़राब हो गई लिहाजा ठीक कर दे मैं फिर वही कहता हूँ कि अगर तो मेरा आना नागुजर है मैं आऊँगा लेकिन अगर मेरा आना नागुजर नहीं वो काम वो फाल्ट आप खुद दूर कर सकते हैं तो क्यों ना आप खुद दूर कर लें लिहाजा ले मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपकी रहनमाई करता हूँ आप मेरी रहनमाई में कोशिश करें दूर होता है फॉल्ट ठीक अगर नहीं तो मैं आ जाऊँगा मैं तो हूँ ही ना दूसरी बार फिर आप मेरी हिदायत के मुताबिक अमल करते हैं नतीजा का निकलता मशीन ठीक हो जाती है तीसरी बार फिर फाल्ट जो है वो पैदा होता है तो इस तरह करते करते नतीजा का निकलेगा आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि आप मुझसे रबता करना छोड़ देंगे और जब भी फॉल्ट पैदा होगा आप खुद जो है फॉल्ट को दूर करना शुरू कर देंगे लेकिन इसके नतज क्या निकलेंगे नतज इसके ये निकलेंगे नतज इसके ये निकलेंगे कि हसबे सबक फॉल्ट या खराबियां पैदा नहीं होंगी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते खराबियां भी बड़ी बड़ी पैदा होना शुरू हो जाएंगी तो जब ऐसी खराबियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी जिनको आप ठीक नहीं कर सकते या हाल की हिदायत के बगैर ठीक नहीं किया जा सकता आप जब उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो फाल्ट वो, वो खराबियां मज़ीद बढ़ेंगे अब जब मज़ीद बढ़ेंगी आप फिर मुझसे रबता करेंगे मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर आपने मेरी हिदायत के मुताबिक चला होता मुझसे रबता रखा हुआ होता मुझसे मेरे साथ ताल्लुक़ रखा हुआ होता और फिर आप मुझे बताते हैं फॉल्ट और मैं आपकी रहनमई करता मेरी रहन आप ठीक करते तो ठीक हो जाती ठीक है ना हम हाँ मैं वादा करता हूँ मैं आऊँगा लेकिन कब जब मेरा आना नागुजर हो जाएगा लिहाजा गोर करना आइंदा अगर जब भी फॉल्ट पैदा हो तो मेरे साथ रहा जरूर रखना है मुझे जरूर बताना है फिर मेरी रहनमई में उसकी सलाह करनी है इस तरह फिर सिलसिला चलता है लेकिन इंसान जो है वह भूल जाता है इंसान का मामला यह कि इंसान है ही बुला हुआ वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसका दिमाग जो है महदूद है पुरानी चीज़ें हैं वो नीचे चली जाती हैं और जो बाकी चीज़ें वो ऊपर आ जाती हैं वो पिछली चीज़ भूल जाता है यूं इस तरह करते करते ये सिलसिला चलता रहता है चलता रहता है क्या होता है जब जब इंसान रब की तरफ रू कर रूह करता है तो रब यही वादा करता है कि मैं आऊँगा मैं आऊँगा मैं वादा करता हूँ मैं आऊँगा मैं वादा करता हूँ मैं आऊँगा मैं आकर ठीक करूँगा यानी होता ये है कि जब भी दुनिया में इंसानों को कोई मुश्किल पेश आती है कोई परेशानी पेश आती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सालाहितों का इस्तेमाल करते हुए उस परेशानी को दूर कर लेते हैं निजात हासिल कर लेते हैं कोई पैसे का इस्तेमाल करता है कोई और जो सलाहियत उसके बाद उसका इस्तेमाल करता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं कि दुनिया में हमें इस मुश्किल से मुसीबत से तकलीफ से निजात देने वाला कोई नहीं है लेकिन हकीकत ये नहीं होती हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है उनका इलाज उनकी मुश्किल का हल मौजूद होता है लेकिन उन्हें नज़र नहीं आ रहा होता अब उनको नज़र ये आता है कि भाई रब के अलावा हमें इस मुश्किल से इस परेशानी से तकलीफ से कोई निजात नहीं दिला सकता अब वो क्या करते हैं वो यार अब यार अब यार अब करना शुरू कर देते हैं जब यार अब यारब करना शुरू कर देते हैं तो रब आगे से यही जवाब देता है भाई मैं आऊँगा मैं तुम्हारी मुश्किलात को हल करूंगा लेकिन पहले मेरा आना नागुजीर साबित हो जाए नागुजीर हो जाए अगर ये मसला यह परेशानी तुम खुद हल कर सकते हो तो मेरे आने की क्या जरूरत है लिहाजा मैंने तुम्हें सलाहित दी हैं मैंने तुम्हारे अंदर यह सलाहित रखी हैं जैसे मैं रहनमई करता हूं उस तरह तुम कोशिश करो तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा लिहाजा ये फर्द वहाद से सिलसिला स्टार्ट होता है ये बढ़ते 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 जब मजमू तौर पर एक कौमार रही होती है तो रब जो है वादा करता चला जा रहा होता है भाई मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आके सब कुछ ठीक करूंगा मैं आके सब कुछ ठीक करूंगा लेकिन कब जब मेरा आने का वक्त आएगा जब मेरे अलावा कोई इन खराबियों को परेशानियों को इन तकलीफों को दूर नहीं कर सकता खत्म नहीं कर सकता मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक जब तक तुम लोग उन परेशानी मुसीबतों को खुद दूर कर सकते हो या फिर खुद दूर करने की कोशिश में लगे रहोगे मैं सिर्फ और तो तब आऊंगा जब मेरे अलावा ना ही कोई इन परेशानी मुसीबतों तरीफों को दूर कर सकता है और ना ही कोई कर सकेगा जब मेरा आना नागजीर होगा तो ये लफज मसीह मऊद का मानी मसीह मऊद का मानी ये है जैसे आपको पहले मिसाल दी कि मैं उस वक़्त तक उस मशीन को ठीक करने के लिए खुद नहीं आऊंगा जब तक कि था मेरे अलावा कोई दूसरा उसे ठीक कर सकता नहीं जब तक मेरे अलावा कोई दूसरा ठीक कर सकता है आप खुद ठीक कर सकते हो तब तक मेरे आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह जो है रब जो है जब जब इंसान जो है वो रब की तरफ रुख करते हैं या रब, या रब करते हैं अपने मसाल अपनी परेशानियों की दूरी के लिए उनके हल के लिए रब की तरफ रुख करते हैं तो रब आगे से क्या करता है वादा करता है मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं वादा करता हूं मैं आऊंगा लेकिन तब जब वाक़ता मेरे अलावा कोई और तुम्हारी परेशानी मुसीबतों तकलीफ़ों को दूर नहीं कर सकता लेकिन अगर इन मुसीबतों को परेशानी तकलीफों को तुम खुद दूर कर सकते हो मेरे आने की ज़रूरत है मेरे आने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक मेरे अलावा को दूर नहीं कर सकता लिहाजा जब ऐसा वक़्त आ जाएगा तो मैं आऊंगा ये है मसीह माऊद का माने अब सवाल यह पैदा होता है कि दुनिया में ऐसे हालात पैदा हो जाएं इंसानों को यारब यारब करने वालों को ऐसी मुसीबतों तकलीफों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो कि उन परेशानियों मुसीबतों तकलीफों से उन्हें रब के अलावा कोई निजात नहीं दिला सकता तो कोई भी शख्स आता है और आकर कहता है कि मैं मसीह माऊद हूं यानी मैं तुम्हारा रब हूं जो कि अपने वादे के मुताबिक आ गया हूं। तुम मुझे पुकारते रहे मैं वादा करता रहा मैं आऊँगा तुम मुझे पुकारते रहे मैं वादा करता रहा मैं आऊँगा तुम मुझे पुकारते रहे मैं वादा करता रहूँगा आऊँगा कब जब वो वक्त आ जाएगा लिहाजा आज जब वो वक़्त आ गया तो मैं आ गया हूं अब जो शख्स भी मसीह मऊद होने का दावा करता है वो खड़ा होता है और वो दुनिया को या उस कौम को जिस कौम में भेजा गया उस कौम को मुश्किलों तकलीफों से निजात नहीं दिला पाता तो वो मसीह मऊद नहीं बल्कि कज्जाब साबित हो जाता है अब ये है सिर्फ लफ्ज जो अल्फाज हैं मसीह मऊद इसके मान इसका मतलब अब यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि कोई भी शख्स है वो मिर्जा गुलाम का नहीं हो या उसके अलावा हो जो भी उठा या उठता है अगर वो ये दावा करता है ये ऐलान करता है कि ए लोगो मैं मसीह माउद हूं यानी मैं वही मसीह मसीह कौन कि मैं वही हूं जिसने आकर तुम्हें मुसीबतों तकलीफों परेशानियों से निजात दिलानी थी तुम्हे नीचे से जिल्लत से निकालकर दुनिया की एक बुलंद बाइजत कौम बनाना था मैं अपने वादे के मुताबिक आ गया हूं अब उठकर दावा दावा तो, तो यह करता है लेकिन उसकी मौत हो जाती है वो मर जाता है वो कौम उन्हीं हालात में रहती है ना सिर्फ उन्हीं बल्कि उससे भी मजीद जलील हो जाती है मजीद जिल्लत में चली जाती है तो वह मसीह मौत साबित होता है या रब ने उसे कजाब साबित कर दिया क्योंकि आना किसने है वादा किसका है वादा रब का है तो रब कैसे आता है इसके लिए आपको सबसे पहले रब को समझना पड़ेगा रब कैसे आता है हम वो बाद में और पहलू से बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम आपके सामने एक और पहलू से यह हकायक जो है सामने रखते हैं अगर है रब कैसे आता है मिसाल के तौर पर अब माजी में जाए क्या यह मसीह मऊद का वादा सिर्फ मुसलमानों से किया गया इस उम्मत से इस कौम से किया गया या फिर यह तो सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है क्या मसीह मऊद यानी रसूल पहली दफा आना था या आना है नहीं बल्कि यह सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है मोहम्मद क्या था मोहम्मद मसीह मऊद था ईसा इब्ने मरीम क्या था ईसा ईसा इब्ने मरियम जो मसीह मऊद था मूसा क्या था मसीह मऊद इस तरह और पीछे चले जाएं जो जो रसूल आए वो क्या थे वो मसीह माऊद ही तो थे और क्या थे तो मुझे ये जरा ये बताएं कि मोहम्मद जो कि मसीह मऊद था मसीह मऊद मतलब क्या क्या उन लोगों से जब मोहम्मद आया मोहम्मद के आने से पहले जो लोग मौजूद थे क्या उनसे वादा नहीं किया गया था कि मैं तुम्हें मसीह भेजूंगा रसूल भेजूंगा यानी क्या ईसा इब्ने मरियम ने यह नहीं कहा था कि मेरे बाद फिर जब तुम जलील हो जाओगे जिल्लत में चले जाओगे तुम्हें दुनिया में तकालीफ का मुसीबतों का परेशानियों का सामना होगा तो तुम्हें उस जिल्लत से निकालने के लिए मैं फिर यानी रब फिर अपना रसूल भेजेगा मुसीब भेजेगा ईसा इबन मरियम ने नहीं कहा था वादा किया गया था ना तो कौन आया था मुहम्मद तो जब मोहम्मद आया था तो क्या जिस खिते में जिस कौम में आया था वो कौम वैसी की वैसी रही जैसी मुहम्मद के आने से पहले थी उस कौम के हालात वैसे के वैसे रहे जैसे हालात उस कौम के मुहम्मद के आने से पहले थे मुहम्मद के आने से पहले वो कौम जीलोर स्वाह हो रही थी जहालत में थी गुमराहियों में थी जिल्लत की घाटियों में थी गहराइयों में थी लेकिन जब मोहम्मद आया तो नतीजा क्या निकला मोहम्मद के आने के बाद मोहम्मद की जिंदगी में मोहम्मद ने उस कौम को जिल्लत से निकालकर दुनिया का वारस बना दिया जब मोहम्मद की वफात हुई दुनिया से गया तो उस वक़्त एक वसी रियासत कायम करके चला गया ऐसी रियासत जिसने बाद में पूरी दुनिया को टक्कर दी चैलेंज है। दी। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था इस तरह ईसा ने मरियम को देखें ईसा ने मरियम के बारे में जो हकायक हैं वो तो पोशीदा हैं लोगों को नहीं पता लोगों का कहना यह है कि वो तो कोई कहते हैं मर गया कोई कहते हैं आसमानों पर चला गया कैसे चला गया आया था उसने दावत दी थी जब दावत दी तो भाई वो कोई कहते हैं कतल हो गया फिर कोई कहते हैं जी वो आसमानों पर जिंदा चला गया यानी रब ने भेजा किस लिए भेजा उस कौम को मुसीबत से जिल्लत से निकालने के लिए इज्जत देने के लिए मानने वालों को इज्जत देने के लिए और वो उनको इज्जत दिलाए बगैर वापस चला जाता है क्या रब का ये कानून है ऐसा हो सकता है अगर ऐसा हो तो वो तो रसूल साबित नहीं होता वो तो सच्चा साबित नहीं होता अब लोगों को हकायक का नहीं पता अगर हकायक का पता हो तो फिर इनको पता चले कि ईसा बिन मरियम ना सिर्फ एक लंबी मुद्दत तक जिंदा रहा बल्कि उसकी मौजूदगी में उसने एक बहुत वसी रियासत स्टेट कायम की वही रियासत फैली फेल, फली फूली फैली बड़ी हुई और जिसको आज अब दुनिया ईसाईद के नाम से जानते हैं इतनी वसी रियासत आप सोच भी नहीं सकते इस तरह जब मूसा या मूसा ने क्या किया अब सवाल यह पैदा होता है कि जब मसीह मऊद के बारे में कवानीन आपके ऊपर वाजे हो गए तो क्या, तो क्या वही हुआ जो मिर्जे कहने के बाद हुआ क्या वो हुआ जो मुहम्मद कहने से हुआ क्या वो मिर्जे कहने से वो हुआ अगर तो हुआ मिर्जा मसीह मऊद अगर वो नहीं हुआ तो मिर्जा मसीह मौत कैसे साबित होता है भाई मसीह गौर मसी मसीह का मतलब क्या है रब कह रहा है रब कह रहा है मैं खुद आऊंगा और तमाम खराबियों को दूर करके हर शय को परफेक्ट कर दूंगा ये मैं वादा करता हूं ये मैं वादा करता हूं मैं उस वक्त तक ये वादा करता रहूंगा आने का जब तक मेरे आने का वक्त नहीं हो जाता और मुझे यह बताएं कि रब सदियों तक यह वादा करता रहे मैं आऊंगा मैं आकर सब कुछ परफेक्ट करूंगा मैं आऊंगा मैं सब कुछ परफेक्ट करूंगा मैं आऊंगा तो इस जिल्लत से निकालूंगा इज्जत दूंगा रब सदियों तक ये वादा करता रहे और जब वो वक्त आए और कोई उठकर दावा करे और वाक वो रब हो रब का भेजा हुआ हो और दुनिया में हाँ ना आए परफेक्शन ना आए रब जो वादा करता रहा सदी तक वो अपने वादे के मुताबिक ना कर पाए दुनिया वैसी वैसी रहे तो ऐसा तो रब ही साबित नहीं होता वो तो रब झूठा साबित हो जाता है वो तो रब कमजोर और जलील साबित हो जाता है यानी मिर्जे को मानने वाले लोग अपने अमल से ये ऐलान करते हैं कि रब इंतहाई कमजोर है रब वादे का जूटा है रब जूटे वादे करता रहा रब जलील है यानी रब को हर तरह से हर तरह की अपने अमल से गालियां देते हैं अब जरा खुद गौर करें खुद गौर करें क्या आप में अकल नहीं है क्या सदियों तक रब वादा करे मैं आऊंगा मैं आऊंगा मैं आऊंगा क्यों आऊंगा तुम्हें मुसीबतों से तकलीफ से परेशानी से निकालेंगे ना सिर्फ निकालने के लिए बल्कि तुम्हें जमीन का वारस जमीन का मालिक बनाने के लिए मैं आऊंगा मैं जमीन की असलाह करने के लिए आऊंगा और जब वो आता है तो जो वादा करता रहा उसके मुताबिक कुछ भी ना कर पाए वो रब साबित होता है इसके बावजूद अगर आप जिद करते हो वो रब ही था यानी वो सच्चा ही था तो इसका मतलब है जो रब है वो तो बड़ा कमजोर है ये दुनिया वाले उससे ताकतवर है ये उससे ताकतवर हैं ये फिर ये ग्रो ये लोग ताकतवर हैं रब से आप अपने मल से क्या ऐलान कर रहे हैं क्या आप यही नहीं कह रहे इस बुनियाद पर भी आपके ऊपर ये बात रोजे रोशन की तरह आया हो जाती है वाजे हो जाती है कि मिर्जा गुलाम का दिया नहीं मसीह माऊद नहीं बल्कि कजाब था कौन था कजाब अभी आपके ऊपर वाजे करते हैं। इसके लिए आपको रब के जो कवानीन है उनको जानना होगा ऐसा करते हैं रब के कवानीन को जानने के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एक कुलिया इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूला वो कुलिया क्या है अल्लाह यानी आलमीन क्या है कौन है कहाँ है कैसा है हम ये बहस नहीं करते हम ये बहस नहीं करते हम क्या करते हैं हम ऐसा करते हैं कि अगर किसी के बारे में जानना है कि वो जो काम करता है कैसा करता है किस तरह करता है उसका तरीका क्या है उसका कानून क्या है ये जानना है तो उसकी किसी भी तखलीक को सामने रख लिया जाए मिसाल के तौर पर कोई कैसा कारीगर है अच्छा कारीगर है बेहतर कारीगर है या बुरा है सही काम करता है या खराब करता है ये जानना है तो आप उसकी तखलीक उसके काम को देखो उसकी शक्ल आपको नहीं बताएगी कि मैं बड़ा जबरदस्त कारीगर हूं ठीक है ना उसका काम बताएगा आपको उसका अमल बताएगा तो रब कैसा है कौन है क्या है इसके लिए जरूरी नहीं कि पहले रब सामने हो यह जरूरी नहीं है जरूरी यह है कि रब का अमल रब का काम आपके सामने हो आप रब के काम से रब को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इस फार्मूले के तहत रब का कोई काम कोई अमल अपने सामने रखते हैं कोई तख़लीक ऐसी तख़लीक ऐसी क्रिएशन के जिसके बारे में कोई भी ये क्लेम ना कर सके कि भाई इसको मैंने तख़लीक किया मैंने खलग किया है या इसमें मैंने अपना हिस्सा डाला है यहां तक कि वो ये भी ना कह सके कि जब इसको खलग किया गया तो उस वक्त मैं भी मौजूद था था मेरे सामने खलत हुई नहीं बल्कि हर किसी का इतफाक हो कि ये काम उसी का है जिसने कायनात को बनाया है ये जो खालिक व मालिक है उसी का काम है ये रब्बुल आलमीन ये अल्लाह ईश्वर गार्ड का काम है ठीक है ना तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम किसी दरख्त को सामने नहीं रखते क्यों इंसानियत की मुदाखलत है कोई भी क्लेम कर सकता है भाई आज देखो साइंस के पास इतना इलम है इसका उसका बीज इंसानों ने बनाया हो इंसान ने इसमें मुदाखलत की हम ऐसा करते हैं कि जो जमीन है जमीन जिस पर इंसान रह रहे हैं यानी जमीन पहले ही है इंसान तो जमीन पहले है क्योंकि जमीन इंसानों पर नहीं रह रही बल्कि इंसान जमीन पर रह रहे हैं तो जो चीज नीचे है वो पहले है जो ऊपर है वह बाद में है जैसे प्लेट है और खाना है तो क्या पहले खाना आएगा या पहले प्लेट आएगी पहले तो प्लेट आएगी खाना तो फिर आएगा ऐसे ही जमीन पहले है या इंसान तो पता चला कि जमीन पहले है, इंसान तो बाद में आए जब जमीन पहले है तो क्या कोई भी ये क्लेम कर सकता है कि जी जमीन की तखलीक में हमारा भी हिस्सा है नहीं बल्कि जमीन एक ऐसी तखलीक है जिसके बारे में किसी भी मज़हब किसी फ़िरके किसी ग्रुह कोई भी जहन रखने वाला जो शख्स है वो मुतफिक है कि ये अल्लाह गाढ़ ईश्वर का काम है अगर वो अल्लाह गाढ़ ईश्वर यानी इन अल्फाज को नहीं तस्लीम करता वो मज़बी नहीं है उसका मज़हब के साथ अगर ताल्लुक़ नहीं है फिर भी वो ये कहने पर मजबूर होगा कि ये उसी का काम है जिसने कायनात बनाई है बेशक वो ये कहे कि कायनात ने बनाया है लेकिन वो ये जरूर कहेगा कि ये इंसान का काम नहीं है ये इंसान का काम नहीं है तो अब हम ऐसा करते हैं कि जमीन में गौर करते हैं जब हम जमीन में गौर करें तो हमें नजर आता है कि जमीन बाजहर देखने में फ्लैट है यानी चपटी है और स्टैटिक है ठहरी हुई साकत अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या जमीन चपटी फ्लैट और साकत स्टैटिक ठहरी हुई है तो जब तक ये राज नहीं खुला था साइंस जिसे कहते हैं इसने तरक्की नहीं की थी स्टेज पर इंसान नहीं पहुंचा था तब तक अक्सरियत यही कहती थी दुनिया में यही अकीदा अकीदा नजरिया पाया जाता था कि जमीन फ्लैट है ठहरी हुई है यानी स्टैटिक है लेकिन आज क्या आज आपके ऊपर यह चीज़ वाजह नहीं हो गई कि जमीन तो गेंद की तरह गोल है और स्टैटिक नहीं बल्कि मल्टी डायरेक्शन में सफर कर रही है और इंतहाई तेज रफ्तारी से अब अगर आप जमीन पर हैं तो आपको जमीन गोल तो नजर नहीं आती फ्लैट नजर आती है ऊंची नीची नजर आती है और अगर बाहर हैं तो गोल गेंद की तरह गोल जमीन के ऊपर हैं आपको ठहरी हुई नजर आ रही है और अगर जमीन से पीछे हट जाएंगे तो आपको सफर करती मल्टी डायरेक्शन में नजर आएगी अपनी महर पर घूमती होनी मल्टी डायरेक्शन में हर सिमन में इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर कर रही है अब मैं आपसे स्वागत गौर करें क्या एक ही शे एक शह एक ही वक्त में एक शेय एक ही वक्त में गोल और फ्लैट हो सकती है एक ही वक्त में स्टैटिक ठहरी हुई और सफर करती हुई, हुई मल्टी डायरेक्शन में सफर करती हुई हो सकती है इंसान की नजर से देखा जाए तो नहीं लेकिन रब का काम ऐसा है आपने खुद देख लिया जमीन चपटी होने के बावजूद गोल है गोल होने के बावजूद चपटी है साकत होने के बावजूद सफर करिए सफर करने के बावजूद साकत है यानी रब का कानून क्या है रब का कानून यह है कि रब जो भी काम करता है रब जो भी काम करता है वो ऐसा करता है यही रब और इंसान में फर्क है इंसान अगर कोई काम करेगा तो इंसान सिर्फ फ्लैट शाही बना पाएगा एक ही वक़्त में फ्लैट और गोल नहीं बना पाएगा एक ही वक्त में लंबार छोटा मोटा, पतला नहीं बना पाएगा लेकिन रब की यह है रब का यह कानून है यही वो शह है जो इंसान और रब में इम्तियाज करती है फर्क करती है कि इंसान वो नहीं कर सकता जो रब है इंसान क्या है इंसान अवर है अवर यानी काना है और रब दो आंखों वाला है अव्वर नहीं है यानी रब दोनों साइडों से करता है यानी आपके सामने क्या चीज है आपके सामने यह कानून आया कि आपका जो रब है उसने हर शहर से उसका जोड़ा हल किया है और बातिन जाहिर और बातिन एक दूसरे की जिद है जाहिर में जमीन फ्लैट है बातिन में गोल है जाहिर में जमीन स्ट्रैटिक ठहर हुई है बातिन में सफ़र कर रही है सबसे पहली बात आपके सामने ये चीज़ आई कि जो रब है वो काम कैसे करता है जो हमारा रब है जो आलमीन है रब का काम करने का असलूब कानून तरीका यह है कि उसने हर शय से उसका जोड़ा बनाया है और यह कुरान में आयत भी है सुरा जारियात में वखलक नमिन कुल्ली शइन जो और खलक किया हमने हर शय से उसका जोड़ा वो ना सिर्फ जोड़ा हलक किया बल्कि आप देखें कि जाहिर और जो बातिन है दोनों एक 180 डिग्री एक दूसरे की जिद है उल्ट एक 180 डिग्री उल्ट यानी रात है तो दिन भी है आग है तो पानी भी है आसमान है तो जमीन भी है और रब का काम उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक दोनों चीजें मौजूद ना हों। ज़मीन रब का काम तब साबित होती है जब इसमें गोलाई भी हो और फ्लैटपन भी हो अगर सिर्फ फ्लैट होगी तो रब का काम नहीं है वो इंसान का काम होगा अगर सिर्फ गोल होगी तो रब का काम नहीं इंसान का काम होगा रब का काम तब है जब गोल और फ्लैट बेक वकत हूं रब का काम तब है जब रोशनी और अंधेरा मौजूद हूं दोनों हूं अब रब के काम में पहले क्या है यह भी आपके ऊपर वाजे हो जाएगा पहले क्या है जाहिर क्योंकि इन जा, पहले तो वही आएगा ना जहां इंसान की जो रसाई है जहां इंसान मौजूद है पहले तो वही आएगा और रब का कानून भी देखा जाए तो रब का कानून क्या है रात और दिन को ले लें पहले क्या है अंधेरा फिर दिन रोशनी यानी पहले रात है फिर रोशनी है क्यों इस वजह से कि अगर रोशनी आ जाएगी रोशनी आ जाएगी तो फिर अंधेरे का तो कोई तो क्यों नहीं बनता अंधेरा कैसे आ सकता है आती रोशनी है अंधेरा नहीं आता आती तो रोशनी है यानी आपके सामने ये कानून वाजे हो गया कि रब जो भी है जैसा भी है वो बात की बात है कौन है कहां है क्या है वो बात की बात है लेकिन यह वाज हो गया कि जो हमारा रब है वो जो भी काम करता है वो दो पहलुओं से करता है हर शहर से उसका जोड़ा है उसका काम जोड़े में होता है एक उसका जाहिर होता है एक उसका बातिन होता है जाहिर बातिन एक दूसरे की जिद होते हैं और पहले क्या आता है पहले गोया कि रात इस मुझे यह बताएं कि रसूल का यानी मसीह का भेजना क्या रब ने वादा किया हुआ वा या नहीं मसीह की बेसत का मसीह के भेजे जाने का वादा किसी इंसान का है या रब का है अगर तो यह वादा इंसान का है तो फिर सिर्फ सिर्फ झूठा या सच्चा आएगा यानी एक ही आएगा लेकिन अगर यह वादा यह काम रब का है तो फिर कैसे मुमकिन है कि सिर्फ आए और झूठा ना आए सिर्फ सच्चा है और झूठा ना आए क्यों रब का काम तो मुकम्मल हो ही नहीं सकता हर शह उसका जोड़ा है अगर मसीह के आने का वादा रब का है तो फिर रब का कानून यह है रब का काम यह है कि सच्चे के साथ एक झूठा भी हो अब दोनों इकट्ठे नहीं आए पहले क्या आती है रात पहले जो जूटा है वो आएगा रब ने जो कानून बनाया वो क्या है पहले जूटा आएगा कजाब आएगा यानी पहले भी सच्चे के आने से पहले रब के आने से पहले रब पहले एक जूटा एक कजाब लेकर आएगा क्योंकि उसके बगैर रब का काम मुकम्मल ना होता रब का काम ही साबित नहीं होता किसी भी पहलू से अबूर कर यूं रब ने ये कानून बना दिया रब का ये कानून है रब के कानून के मुताबिक सच्चे के आने से पहले एक कजाब आता है वो रब का लाया हुआ होता है क्योंकि रब ने अपना काम मुकम्मल करना है अब इस कानून के मुताबिक मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर मिर्जा गुलाम कादयानी सच्चा था तो उसके आने से पहले एक ऐसा कजाब लाजिम आना चाहिए था जो रब का लाया हुआ होता क्यों सच्चे के आने से पहले कजाब का आना रब ने कानून में कर दिया सच्चा उसो के तक सच्चा साबित नहीं होता जब तक उससे पहले एक कजाब आना चुका हो और वो रब का लाया हुआ ना हो वो कजाब अब हकीकत क्या हकीकत यह है कि मिर्जा गुलाम का तो अपनी किताबों में खुद लिखता है कि जब से रब ने मसीह मऊद का वादा किया है तब से लेकर अब तक मुझसे पहले किसी ने भी यह दावा नहीं किया ये वो खुद लिख रहा है मैं आपसे सवाल करता हूं नंबर एक अगर वो सच्चा होता तो उसे इस कानून का ना इलम होता उसे इस कानून का इलम होता जब उसे इस कानून का इलम होता तो वो दावा करता कभी भी नहीं क्यों उसे पता होता मैं खुद कजाब साबित हो जाऊंगा अगर मैं वाक रब का भेजा हुआ हूं तो मैं उस वक्त तक खड़ा नहीं हूंगा जब तक रब मुझे खड़ा ना करे और रब कब खड़ा करेगा मुझसे पहले उसको कजाब लाना पड़ेगा लेकिन जो कजाब होता है उसे रब किस कानून का इलम होता है नहीं इलम होता जिसकी वजह से वो मारा जाता है वो दवा कर बैठता है मिर्जा गुलाम का खुद ये अपनी किताबों में रूहानी हिजान में लिख रहा है कि जब से रब ने वादा किया है मसीह के भेजे जाने का तब से लेकर अब तक कहता है कि मैं मिर्जा गुलाम का दयानी वाह शख्स हूं जिसने यह दावा किया है तो सबसे पहले मैंने दावा किया इस वजह से मुझे मान लो मुझे मानो ये मेरे सच्चा होने की पहचान है रब कह रहा है तेरे कजाब होने की पहचान है यूं इस बुनियाद पर इस पहलू से भी वो बताएं सच्चा साबित होता है या कजाब साबित होता है अगर वो सच्चा था तो रब के कानून के ऐन मुताबक दुनिया कादियान को दुनिया मरजियत को जो खुद को अहमदी कहलवाते हैं उनको साबित करना पड़ेगा मिर्जे से पहले एक कजाब साबित करना पड़ेगा और फिर दूसरी चीज जब अंधेरा होता है और सूरज रोशनी आती है तो रोशनी के आने के बाद अंधेरा कायम रह पाता है नहीं हर तरफ रोशनी फैल जाती है अंधेरा नहीं रह पाता तो यह भी साबित करना पड़ेगा कि वो जो मिर्जे के आने से पहले कजाब था मिर्जे के आने से उस कजाब का शहर टूट खत्म हुआ यह भी साबित करना पड़ेगा क्या कर सकते हैं साबित दुनिया की कोई ताकत मिर्जे गुलाम कादयानी को सच्चा तो दूर की बात है एक अकलमंद भी साबित नहीं कर सकती और जिसकी अकल में रब के ये सादे से कवानीन ना आए जो कहना रब का बेजा हुआ हूं और रब के बेजा हुआ जो है उसको रब के कवानीन का इलम नहीं होगा ये कवानीन तो आपको अपने आपके अपने वजूद में नजर आ रहे हैं और बातन हर शहर से उसका जोड़ा जो मसीहों ने कहा उसको पता ही नहीं इन चीजों का अब आप गौर करें कुरान उठाकर देखें तो कुरान में क्या है कुरान में सच्चे की पहचान यह लिखी हुई है कि जब सच्चा आएगा तो उसे उस वक्त के फिरके जिन में भेजा जाएगा कुफर कजब करने वाले क्या कहेंगे कि तू क्या है तू कुछ भी नहीं अगर है तो क्या जो कजाब आते रहे उनमें से एक कजाब है यानी जैसे हर रसूल के यानी हर सच्चे के आने से पहले कजाब आता है जो कजाब आते हैं तो उनमें से एक कजाब है ये किसको कहा जाता है ये सच्चे को कहा जाता है ये सच्चे को कहा जाता है क्या मिर्जे कादयानी को यह कहा गया था जब वो आया था उसने तो खुद को ही दे दी कि मुझे यह कहा जा सकता ही नहीं क्यों उसने कहा मैं पहला हूं इस चीज का दावेदार तो जो इस चीज का दावेदार है पहला उसको आप कैसे कह सकोगे जो कजाब आते रहे तो से एक है। जो सच्चे कहने से पहले कजाब आते हैं तो उनमें से एक है। कैसे साबित कर सकेंगे जबकि वो पहला है से भी जलील हो जाता है तो ये हैं कुछ कवानी जो आपके सामने रखे हैं अब आप खुद गौर करें जब रब का कानून ये है कि ज़ाहिर और बातन हर से उसका जोड़ा यानी सच्चा है तो झूठा भी है झूठा कौन कब आएगा पहले या बाद में पहले झूठा आएगा फिर सच्चा आएगा क्योंकि अगर सच्चा पहले आ जाए तो झूठे के आने का रास्ता तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है कुछ सच्चा जब आता है तो सच्चा क्या होता है गौर करें जरा रात का वक्त हो अंधेरा हो कोई उठकर यह दावा करे कि मैं सूरज हूं मैं सूरज हूँ मैं सूरज हूँ वो जितनी जी दलीलें दलीले दे ले उसको सूरज आप मान लेंगे अगर अंधेरा वैसे का वैसा कायम रहे बताएं जरा नहीं माना जाएगा कब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो अपने आप को सूरज साबित ना करे सूरज क्या है सूरज यह है कि जो जब आता है तो उसे जबान से कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सूरज हूं मैं सूरज हूं मैं, मैं सूरज नहीं उसका अमल बता रहा होता है वो सूरज है हां सूरज के आने से पहले अगर कोई उठता है दावा करता है ऐलान करता है तो उसको अपनी जबान से दावे करने पड़ेंगे कहना पड़ेगा मैं सूरज हूं मैं सूरज हूं मैं सूरज हूं मैं सूरज हूं क्यों वो क्योंकि वो सूरज नहीं है अब कौन उसे सूरज मानेंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी सूरज देखा ही नहीं क्यों क्योंकि वो अंधेरे में पैदा हुए अंधेरे में पले बड़े उनको क्या पता सूरज किसे कहते हैं उनको रोशनी का पता ही नहीं है लेकिन जिनको रोशनी की एक किरण का भी इलम है वो उसे सूरज नहीं मान सकते क्यों क्योंकि उनको पता है सूरज तो रोशनी फूटती है वो तो अंधेरों को दूर कर देता है ये कैसा सूरज है कि इसके आने से अंधेरा वैसे का वैसे मौजूद है कायम है बिल्कुल ऐसे ही सच्चा क्या होता है सच्चा तो रब का नूर होता है वो आकर दुनिया को मुनवर करता है सच्चा आ जाए और दुनिया मुनवर ना हो यानी जब सूरज आ जाए जब सूरज वाकई में जो सूरज होता है वो आ जाता है तो क्या फिर किसी सूरज की जरूरत रहती है जरा गौर करें जब रात होती है रात होती है तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए आप क्या करते हैं घर घर में बल्ब लाइटें जलाते हैं घर घर में बल्ब लाइटें जलाते हैं लेकिन जब सूरज निकल आता है तो क्या फिर उन लाइटों की उन बल्बों की जरूरत रहती है नहीं सूरज की रोशनी के सामने बड़े से बड़ा बल्ब बड़ी से बड़ी लाइट भी बेकार है बेकार है जरूरत नहीं रहती अगर सूरज की मौजूदगी में कोई बल्ब आता है लाइट आती है तो वो अपनी तरफ किसी को मतवजे कर पाएगा सवाली पता नहीं होता उसको वक्त ही नहीं कोई भी उसकी तरफ रुख नहीं करेगा कौन है जो सूरज को देखकर सूरज की मौजूदगी में सूरज को छोड़कर किसी बल्ब की तरफ जाए मुमकिन है बिल्कुल ऐसे ही अगर सच्चा आ जाता है तो झूठे का तो रास्ता ही बंद हो जाता है इसलिए सच्चे के आने से पहले झूठा आता है सच्चे के आने से पहले कजाब आते हैं सच्चा आ जाए तो पीछे रास्ता ही बंद हो जाता है कोई चाहकर भी दावा नहीं कर सकता कोई चाहकर भी सामने नहीं आ सकता अब मैं आपसे सवाल करता हूं मिर्जा कादियानी अगर सच्चा था तो उसके बाद तो कुछ चाह कर भी दावा ना कर पाता किसी को दावा करना चाहिए था किसी को यह ऐलान करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था क्यों सच्चे के आने के बाद रस्ते बंद हो जाता है दरवाजे बंद हो जाता है सच्चा जो है रब ने कहा है रसूल की मिसाल किस किसी है सूरज किसी जो रब का रसूल होता है रसूल जो हो, रब होता है ना तो कहे जब सूरज यानी रसूल चला जाए दुनिया से रसूल दुनिया से चला जाए तो उसके बाद किसी को यह अख्तियार नहीं है कि सूरज होने का दावा करे नहीं तुमने चांद बनना है सूरज से रोशनी लेकर आगे देनी है ठीक है नहीं रात जब हो जाती है तो उस वक्त तक किसी को अख्तियार नहीं है कि वह सूरज होने का दावा करिए कर सूरज सामने आए जब तक के सूरज कहने का वक्त नहीं हो जाता जब तक सूरज कहने का वक्त नहीं होता तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है चांद बनना है यानी सूरज की रोशनी को आगे मुनक्कस करना है ना कि अपनी रोशनी के दावेदार बन बैठो वो जो सितारे रात को करते हैं वो नहीं करना चांद बनना है अब चीज यह है कि मिर्जा गुलाम का देनी अगर सच्चा होता तो उसके आने के बाद किसी और की जरूरत पेश आती और मजे की बात तो यह है कि मिर्जा गुलाम का देनी तो खुद कह कर गया कि ए लोगों मेरे बाद और भी दस हजार या और भी बहुत सारे आ सकते हैं यह कौन कहेगा ए लोगों मेरे बाद दूसरा भी आ सकता है जिसका यही दावा हो यह कौन कहेगा ये तो कजाब कहेगा अगर आप सच्चे हो तो आप ये कहोगे मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हो जी आपकी मशीन खराब है कोई आता है वो आकर कहता है जी मैं कारीगर हूं मैं कारीगर आपकी मशीन ठीक कर दूंगा वो आता है मशीन ठीक करने की कोशिश करता है और चला जाता है क्यों जाएगा अगर कारीगर है तो मशीन ठीक करके जाएगा ना अगर वो कारीगर है वाक़दा कारीगर है तो मशीन ठीक करके जाएगा जब मशीन ठीक करके जाएगा तो क्या वो ये कह कर जाएगा कि किसी और को बुला लो या किसी और का इंतज़ार करो दूसरे कारीगर का इंतज़ार करो ये वही करेगा जो जूटा होगा जो कारीगर नहीं होगा जो पंगा लेगा जब वो मजीद बिगाड़ पैदा कर पाएगा तो उसको पता चल गया मैं जूटा हूं मैं नहीं कर सकता काम तो दुम दबा कर भागेगा आपको लारा लगा देगा किसी दूसरे कार्य की तरफ देखो कोई दूसरा तलाश कर लो वो अगर वाकयदन कारीगर है तो वो क्या करेगा वो जाते हुए कह के जाएगा कि कोई और कारीगर तलाश कर लो किसी और की तरफ देखो कोई और भी आ जाएगा नहीं वो मशीन जब ठीक करेगा तो छाती ठोक के कहेगा कि अब किसी की जरूरत नहीं है जो आपकी मुश्किल थी परेशानी थी जो मशीन में फॉल्टा उन्हें दूर कर दिया अब बेफिक्र हो जो आपको किसी की जरूरत नहीं है मशीन चला के देखो चलती है नहीं चलती अब मशीन खुद बताएगी कि कारीगर की जरूरत है या नहीं तो जब सच्चा आया है वाक़ा कारीगर आया है वो मशीन ठीक करेगा अब मशीन चलाएंगे तो क्या मशीन आपको कहेगी नहीं मैं अभी बीमार हूं मुझे कारीगर चाहिए मुझे डॉक्टर चाहिए कहेगी नहीं कहेगी अब कोई आता है उठकर दावा करता मैं मसीह मऊद हूं मसीह मऊद यानी मैं दुनिया के हालात ठीक करने आया हूं पूरी जमीन के हालात ठीक करने आया हूं पूरी जमीन को परफेक्ट करने इसके अंदर जो खराबियां हैं इस मशीन की खराबियां दूर करने आया हूं और वो आकर यह कहकर चला जाता है कि भाई और कारीगरों का इंतजार करो वो सच्चा हो सकता है यही तो उसके झूठा उसके कजाब होने की पहचान है वो आया उसने दावा किया कारीगर होने का फॉल्ट वैसे के वैसे मौजूद है वैसे के वैसे क्या उसके आने के बाद तो मशीन और खराब हो गई और फिर के गुमराहियां जिलते और फैल गई और बढ़ गई जरा गौर करें आपकी मशीन खराब है कोई आता है वो दावा करता है जी, मैं कारीगर हूं कौन सा कारीगर सबसे बेहतर कारीगर मुझसे बेहतर कारीगर कोई है हो ही नहीं सकता है ही नहीं आप उसे मान लेते हो हाँ जी हम आपको मानते हैं आप हमारी मशीन ठीक कर दें। अब वो मशीन ठीक करने के लिए पंगे लेता है उसके बाद दुम दबा के भाग जाता है और जाते जाते आपको यह कह जाता है कि देखते रहो अगर कोई और कारीगर नजर आता है ना तो उसको बुला लेना उसको पकड़ लेना और जब वो दुम के भागता है नतीजा का निकलता नतीजा ये निकलता मशीन पहले से और ज्यादा खराब हो जाती और पहले तो फिर कम खराब थी कम फाट थे उसके पंगा लेकर जाने से मशीन और तबाह हो जाती है तो मुझे आप ये बताओ वो कारीगर साबित होता है दावा उसका था सबसे बेहतर कारीगर होने का उसका अमल साबित करके जा रहा है वो सबसे बेहतर कि वो सबसे नीचे वाला वो तबाह करने वाला तबाही फैलाने वाला था और इंतहा की तबाही फैलाने वाला उससे बड़ा गुफरा था ही नहीं तो मिर्जा आया क्या दावा था मौद जी मैं आया हूं पूरी दुनिया की इसलाह करने वो दुनिया की सलाह करने आया दुनिया की सलाह करना दूर के बाद जो उसके मानने वाले हैं वो उनकी नहीं कर पाया और उसके आकर चले जाने के बाद दुनिया तो पहले से ज्यादा तबाह हो गई पहले से ज्यादा खराबियां आ गई पहले से ज्यादा फॉल्ट पैदा हो गए क्या ये सच्चे की पहचान है अभी भी तुम लोगों को अकल नहीं आ रही तुम लोगों की अकल में ये सादा सी बातें नहीं आ रही सादा से कवानीन नहीं आ रहे ये बात समझ नहीं आ रही क्यों आएगी जो मुजरिम है जो मुजरमीन है उनकी अक्ल में ये बातें नहीं आने वाली ज़ाहिर सी बात है जो मुजरिम हैं जिनको जो सज़ा के हकदार हैं उनकी कह बातें समझ आ जाएं उनको ये समझ आ जाए तो फिर सजा मिलेगी वो तो सजा से बच जाएंगे मुजरिम जो हैं वही नजरें फेरेंगे वही हक़ से अपना रुख फेरेंगे जो मुजरिम हैं जो वाकदा हक के तलबगार हैं वो कभी भी जब हक आ जाए तो अपना रुख नहीं मोड़ते बहरहाल कुछ पहलुओं से आपके सामने ये बात वाजे की कि मिर्ज़ा गुलाम का की हकीकत क्या है मसीह मऊज होता क्या है और आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि हक क्या है और बातिल क्या है आपके ऊपर ये बात वाजे हो गई कि रब जो है जो आपका रब है जो अल्लाह है जो ईश्वर है जो गाड है रबालमीन उसका है हर शहर से उसका जोड़ा है जैसे रात और दिन है ऐसे ही सच्चा है तो झूठा भी है और पहले झूठा आएगा फिर सच्चा आएगा और सच्चे की पहचान क्या है जैसे सूरज आता है तो अंधेरा कायम रह पाता है नहीं सूरज अंधेरे को भगा देता है बिल्कुल ऐसे ही जब सच्चा आता है तो सच्चा आकर झूठे का शहर तोड़ देता है सच्चे की पहचान यही होती है पहचान क्या होती है कि जो झूठा आता है जब तक सच्चा नहीं आता तब तक झूठे का शहर मौजूद रहता है जूटे की चरजबानी मौजूद रहती है क्योंकि इसमें उसका कमाल नहीं होता यह रब का कानून होता है कि उसके सामने कोई ऐसा दुश्मन वो नहीं लाता कि जो उसका शहर तोड़ दे हां छोटी छोटी जरबें तो पड़ती रहें ताकि लोगों अक्ल वालों के ऊपर वाजे किया जाए कि ए लोगो अगर यह सच्चा होता इसके ऊपर यह जरबे पड़ती ये जलील होता ये दो दो टके के मोलियों के हाथों जलील होता नहीं रब छोटी छोटी जरबे तो उसके ऊपर पड़वाता रहता है लेकिन उस बुत को उस वक्त तक नहीं तोड़ता जब तक सच्चा नहीं आता क्यों उस बुत को सच्चे ने आगे तोड़ना यह तो सच्चे की पहचान है और कैसे तोड़ना है जब आपको बताया है कि रब का काम काम क्या है रब का काम जोड़ा रब कोई भी काम करता है तो पहले जबान से करता है जब रब जबान से अपना काम कर लेता है तो फिर वजूद में रब के हाथ भी हैं अब जो कज़ाब था वो जो कज़ाब का बुत था ये जो कज़ाब ये जो एक कल्ट है ये जो जमात ये जो अपने आप को जमात कहते हैं ये जो कल्ट है जो कज़ाब का खड़ा किया हुआ जो बुत है इसको पहले रब जबान से जो है जबान से पाश पाश करेगा ये आपके सामने रब की जबान है रब अपनी जबान से पाश पाश करेगा और जिसने जबान से पाश पाश कर दिया फिर उसके बाद रब अपने हाथों को हरकत में लाएगा फिर रब के याद रब का हाथ हरकत में आएगा क्योंकि रब जबान से कोई बात कहे और अमल से उसे पूरा ना करे ये कैसे मुमकिन है कैसे मुमकिन है आज अगर रब की जबान हरकत में आ गई है इस ग्रोह के बारे में इस ग्रोह के खिलाफ आज अगर रब अपनी जबान से इस ग्रोह को पाश पाश कर रहा है तो जान लो अगर ये रब का काम है तो अब रब इस गुरु को अपनी जबान के बाद अपने हाथों से पाश पाश करेगा अगर हाथों से पाश पाश ना किया रब ने अपने हाथों से तो फिर मैं भी मिर्जे की तरह कजाब हूंगा और ऐसा कैसे हो सकता है जो जबान से बातिल को पाश पाश कर दे वो हक के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि सौ साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया कोई भी जबान से पाश पाश कर पाया नहीं कर पाया क्यों क्योंकि ये काम ही हक है यही तो हक की पहचान है अगर हक के अलावा कोई और कर पाएगा तो वो हक साबित हो जाएगा वो थोड़ा थोड़ा रब देता है थोड़ा थोड़ा जरबे लगाने के लिए वो थोड़ा थोड़ा जो पाश करते हैं वो चोटें लगाते हैं वो रब का ही काम होता है ताकि बीच में जो अकल वाले हैं वो गौर करें वो समझ लें वो जान लें अगर यह हक होता इसके ये है इसके ऊपर ये जरबे ना पड़ते हैं यह जलील ना होता लेकिन आज पाश पाश किए जाने का वक्त आ गया है खुद को अहमदी कहलवाने वालों मरजयो कादियानियों अब तुम्हारे इस कल्ट के पाश पाश होने का वकत आ गया जान लो ये तुम्हारा रब जो रबालमीन है वो तुमसे कलाम कर रहा है अब दुनिया की कोई ताकत इस कल्ट को पाश पाश होने से नहीं बचा सकती रब के अताब से नहीं बचा सक बचा सकते क्योंकि इसी कुरान में जिस कुरान को तुम मानते हो तस्लीम करते हो गले से लगाए हुए हो इसी कुरान में लिखा हुआ रब क्या कहता है रब कहता है कि ऐसे लोग ऐसे अफराध मेरे नजदीक इंतहाई नापसंदीदा है मुझे उनसे नफरत है कराहत है जो जबान से एक बात कहें और अपने अमल से उसे साबित ना करें तो जिसका कानून ये है जिसकी सुन्नत यह है कि वो कहता है कि बात वही की जाए जिसको आप पूरा कर सकते हो क्या वो खुद ऐसी बात करेगा जिसे वो पूरा नहीं कर सकता कि जबान से किसी को गलत कहे और अमल से अपने किरदार से प्रैक्टिकल अपने हाथों से गलत साबित ना कर पाए जबान से उसको पाश पाश कर रहा हो उसको चकनाचूर कर रहा हो और अमल से उसे चकना कर ना पाए क्या रब ऐसा हो सकता है रब कहता है कोई भी बात करनी है किसी को कुछ कहना है तो पहले अपने गिरेबान में झांको अगर तुम वो खुद हो तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी वो खसूसियत है तो दूसरे को कहो दूसरे को कहने से पहले खुद वैसे बनो जो रब तुम्हें ये नसीहत कर रहा है क्या वो खुद इस खसूसियत से पाक होगा खाली होगा सवाल ही पैदा नहीं होता सवाल ही पैदा नहीं होता रब वही कहता है जो वो खुद है इसलिए कहा कि रब का अल्लाह का रंग इख्तियार करो यानी जैसा अल्लाह है वैसे बनो जब अल्लाह ये कह रहा है जैसा मैं हूं वैसे बनो तो क्या खुद वो इसके बरक्स करेगा अगर अल्लाह का कानून ए, ऐसा नहीं है रब रब्बुल आलमीन का कानून ऐसा नहीं है रब ऐसा नहीं है रब का रंग ऐसा नहीं है कि जो वो जबान से कहे अमल से उसे पूरा ना करे तो फिर जो लोग जबान से जो बात करते हैं अमल से उसे साबित नहीं करते तो उनसे उसे नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर तो वो रब का रंग ही अख्तियार किए हुए हैं इसके बावजूद तो अगर वो नफरत करता है कराहत करता है उन्हें नापसंद करता है उनके ऊपर उसका गजब भड़कता है तो क्यों इसीलिए क्योंकि ये अल्लाह का रंग ही नहीं है कि जो बात आप जबान से करते हो अमल से उसे साबित ही ना कर पाओ वही करो जो तुम अमल कर सकते हो अगर तुम कोई बात कोई अल्फाज मुंह से निकालते हो और वो ग्राउंड रियलिटी नहीं बनते तो इसको कहते हैं मुंह की फूंक मुंह की हवा ये तो कोई भी खारिज कर सकता है ये तो बातल की पहचान है ये तो बातल करता है वो हा हुआ आज अगर रब जबान से इस बुत को ये कादियानी को मरजय को मरजय को दीने कादियान को पाश पाश कर रहा है तो जान लो अब अमल से भी पाश पाश करने का वक्त आ गया तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है निशाने इब्रत बनाया जाएगा अकल का नाहन लो होश का नाहन लो गौर करो राब की दी हुई सलाहतों का इस्तेमाल करो इससे पहले के देर हो जाए अब तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है अभी तो हमारे इस सिलसिले की इब्तदा है जैसे जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे हर पहलू से जो हक है जो हकायक हैं वो आपके सामने लाएंगे और अब हम आहर में ये प्रोमो देने के बाद ये ट्रेलर देने के बाद एक चैलेंज करते हैं दुनिया का कोई कादया दीने का दयान खुद को जमाते अहमदिया कहलवाने वाले अगर अहमदीसा को गलत साबित कर दें और मिर्जे को सच्चा साबित कर दें तो जो कहेंगे इन्हें इनाम दिया जाएगा लेकिन जान लो दुनिया का कोई कादयानी अहमद ईसा को गलत साबित नहीं कर सकता मिर्जे को सच्चा साबित नहीं कर सकता सच्चा साबित तो, साबित करना दूर की बात उसकी किसी एक बात का भी दिफा नहीं कर सकता यह हमारा चैलेंज है और जो हक होता है हक अगर उसके ऊपर उंगली उठे तो हक बेगैरत नहीं होता हक गैरत का नाम है हक की तरफ उंगली की जाए हक बर्दाश्त नहीं करता और हक की फिर पहचान ये है हक के हक तरतीब का नाम है अगर कोई हक के ऊपर एतराज़ उठा रहा है सवाल उठा रहा है तो हक पहले डंडे का इस्तेमाल नहीं करेगा पहले जबान से वाजे करेगा कि भाई तू गलत है तू जो एतराज़ उठा रहा है उसका जवाब यह है जबान से वाजे करेगा इस कदर वाजे करेगा कि कोई भी उसका हक होना जुटला नहीं सकेगा हर एक की अकल में यह बात आ जाएगी और हक जब, जब जबान से उसकी उसके ऊपर जब उंगली उठाई जाती है जबान से उसे वाजे करता है उस सवाल का जवाब देता है उसे त्रास को दूर करता है और फिर भी अगर कोई ना माने तो हक फिर डंडे से मनवाता है ना अब अगर तुम में गैरत है गैरत है का मतलब क्या अगर तुम हक पर हो तुम में हक की एक राय भी है एक राय भी तो अब मैदान में आओ अपने उस पपड़ को जो तुमने ऊपर रखा हुआ है वो कार्टून उस कार्टून को मैदान में लाओ जो तुम्हारा खलीफा है खलीफा उसको लाओ सामने मैदान में अहमदीसा को गलत साबित करो अगर तुम में गैरत है लेकिन बातल हो और उसमें गैरत हो ये कहाँ लिखा है ये दुनिया के किस कानून में लिखा हुआ है राब के कानून को छोड़ो दुनिया के किस कानून में लिखा हुआ है बातल हो और उसमें गैरत हो नहीं मुमकिन ही नहीं है या दुनिया का आदियान या दीने का आदियान ये अहमद ईसा का तुम्हें चैलेंज है आओ मैदान में अपने आप को सच्चा साबित करके दिखाओ अहमद ईसा को गलत साबित करके दिखाओ और एक बात और जान लो बातल वही करता है जो कि वो है हमें पता है तुम बातिल हो तुम मकार हो तुम मकारियां तो करोगे जो बातिल करता है वही करोगे बातिल क्या करता है हक यह है कि पहले जबान से कोई सवाल उठाया जाता है कोई इतराज उठाया जाता है अगर आपको गलत कहा जाता है तो जबान से उसका जवाब दिया जाए यानी अपने आप को सच्चा साबित किया जाए सही साबित किया जाए और उसको गलत साबित किया जाए जबान से और फिर भी अगर वो नहीं मानता बाज नहीं आता तो फिर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है ये है हक और बातिल हक की जिद है बातिल किसे कहते हैं हक के बिगाड़ को जैसा छे है हक और अगर छे को उल्टा कर दिया जाएगा तो वो हक नहीं रहेगा बातिल बन जाएगा बातिल क्या है बातिल है हाक का बिगाड़ तो बातिल क्या करता है जब बातिल पर उंगली उठाई जाती है जब बातिल पर सवाल उठाया जाता है तो बातिल क्या करता है बातिल पहले ताकत का इस्तेमाल करता है जबान का इस्तेमाल नहीं करता लिहाजा जान लो तुम बातिल हो तुमने क्या करना है तुमने हमें जबान से कोई जवाब नहीं देना बातिल होना, बातिल की पहचान गया वो ताकत का इस्तेमाल करता है कैसे वो जो अपनी मनसूबाबंदियां हैं अपनी चलाकियां अपनी मकारियां उनका इस्तेमाल करता है वो देखता है जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको नुकसान पहुँचाया जाए ताकत का इस्तेमाल करता है ना उस आवाज को खामोश किया जाए ये तुम करोगे ये हम गारंटी देते हैं लेकिन ये करने से पहले जान ले लेना गधे के बच्चों के सामने कौन है अगर सामने कजाब हुआ तो तुम इसे नुकसान पहुंचा लोगे अगर तुम इसे नुकसान पहुंचा पाए तो ये कजाब लेकिन अगर ना नुकसान पहुंचा पाए तो जान लो तुम्हारा इंजाम गया है ये तुम्हारा रब तुमसे कलाम कर रहा है तुम ये तुम्हारे सामने जो बैठा हुआ है ये हमारा वजूद है मैं तुम्हारा रब तुमसे कलाम कर रहा हूं ये हमारा बंदा है हमारा वजूद है तुम में से जो भी इसके खिलाफ कोई हरकत करने की कोशिश करेगा हम उसकी जड़े काट देंगे हम उसकी आंखें निकाल देंगे तुम दुश्मनी करोगे हम तुम्हें निशाने इब्रत बनाएंगे करके देख लो अब वकत आ गया तुम्हें सफा हसी से मिटाने का तुम्हें निशान इब्रत बनाने का या बातिल कान खोल के सुन ले और अगर किसी में राय बराबर भी अकल है तो गौर कर लो इससे पहले के देर हो जाए। अहमद ईसा कौन है क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है हक और बातिल की पहचान अब इंतहा आसान आज ही अल किताब को डाउनलोड करें मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के यूट्यूब चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा